सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस की क्लास आपकी, और कई चैप्टरों में से आपका एक चैप्टर है सूक्ष्म जीवों का संसार। तो आइए आज इसके बारे में पढ़ते हैं, सूक्ष्म जीवों का संसार, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका आकार कैसा होता है, ये क्या करते हैं, हमारे लिए लाभदायक हैं कि हानिकारक हैं, इन सबके बारे में आज विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे थोड़ा प्रयास करेंगे हम, लिखने का कम प्रयास करेंगे, समझाने का ज्यादा। बाद में आपको कहीं ना कहीं से नोट्स उपलब्ध करा दीजिए, उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिएगा। तो आइए देखते हैं सूक्ष्म जीवों का संसार। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का संसार यानी कि वर्ड माइक्रोगैनिज्म, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यू डायरेक्टली हम नग्न आंखों से अपनी नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो आपको अगर परिभाषा लिखने के लिए आए सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म पहले छोटे, दर्शी मतलब देखना, तो सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का यंत्र होता है जिनको हम यूज करते हैं। तो इनके खोजकर्ता पूछा जाएगा कि इसके खोजकर्ता सूक्ष्म जीवों के खोजकर्ता, तो जब तक इनकी खोज नहीं हुई थी तब तक हम लोगों को नहीं पता था कि यहाँ हम लोगों के सिवा भी कोई और रहता है। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देख ही नहीं पाया गया था, तो कोई क्या जाने कि होते हैं कि नहीं होते हैं। सूक्ष्म जीवों का आकार इतना होता है, आप मान लीजिए एक आलपिन है या सुई की नोक, उस पर लगभग लगभग 10 लाख सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों के खोजकर्ता कौन थे? एंटोनी वॉन लेवेनहॉक को सूक्ष्म जीवों का खोजकर्ता माना जाता है। इन्होंने कब खोज की थी? सन 1676 से 77 के मध्य, यानी कि बीच में इन्होंने सूक्ष्म जीवों की खोज की, सूक्ष्म जीव जगत यानी कि इनके संसार की खोज की। और इन्हीं को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। किसको? एंटोनी वॉन लेवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव जैविकी का पिता। ठीक है, अगर आपको कोई ये क्वेश्चन आता है कि इनकी सूक्ष्म जीवों के संसार की खोज किसने की, तब भी आप यही लिखेंगे, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। और अगर आपके पूछा जाए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव क्योंकि खोज के पिता किन्हें कहते हैं, ठीक है, तब भी आप यही कहेंगे एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। ये रहने वाले थे हॉलैंड, ये हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, क्वेश्चन घुमा घुमा के आएगा लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। खोज करता पूछे तब भी यही एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, अगर आप फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछ ले तब भी यही सेम क्वेश्चन एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो ठीक है देखिए, सूक्ष्म जीव जीवाणु हो गया आपका यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु जिसको वायरस बोलते हैं, कवक हो गया यानी कि फंजाई, शैवाल, एल्गी। ठीक है, ये चीजें रखी गई हमारी सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनके लिए हम किसी न किसी यंत्र का उपयोग करते हैं जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उससे जो देखेंगे तभी दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है, यानी कि बताया ना अभी, एक सुई की नोक पे लगभग 10 लाख से अधिक सूक्ष्म जीव आ सकते हैं। ये मार्कर देख रहे हैं, इसकी नोक तो फिर भी मोटी है, तो इस पे तो बहुत से आएंगे। ठीक है, तो इनके अंदर क्या कौन कौन से आते हैं? जीवाणु हो गया आपका, विषाणु हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया। ठीक है, अब एक बहुत ही मजेदार बात जानते हैं आज, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने सूक्ष्म जैविकी की खोज की, लेकिन इनका रीजन ये नहीं था सूक्ष्म जीव की खोज करना, ये बस हो गई। कैसे, आइए जानते हैं। जैसे हर इंसान का, हर व्यक्ति का अपना अपना एक शौक होता है, किसी का खेलना होता है, किसी का पढ़ना होता है, किसी का घूमना होता है, वैसे ही इन महाशय एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, इनका शौक था लेंसेज इकट्ठा करना। लेंस आप जानते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, आपने पढ़ा होगा विज्ञान की पिछली निचली क्लासों में, जहां से आप पढ़ के अभी आ रहे हैं 12th तक, आप लोगों ने उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो इन्हें क्या, किस चीज का शौक था? लेंसों को कलेक्ट करना। जैसे बहुत लोगों का शौक होता है ना, कोई खेलता है, कोई घूमता है, वैसे सबके अलग अलग, किसी का मूवीज देखना हो गया, इनका शौक था
लेंसों को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। तो ये लेंसों को इकट्ठा कर रहे थे, फिर इन्होंने एक ऐसे मतलब रैंडमली एक यंत्र बनाया, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी पहले भी थी लेकिन इन्होंने अपने लेंसों का बनाया, तो उसमें से देखा कि कुछ देख रहे थे, तभी इन्हें कुछ सूक्ष्म जीव दिखे, बहुत ही सूक्ष्म जीव। जब दूर हटाई सूक्ष्मदर्शी, देखा अरे यहाँ तो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर लगाया होगा तो देखा होगा फिर थे। तो इस तरह से जाने अनजाने इनकी खोज हो गई, ठीक है, एंटोनी वान लेंगेनहॉफ जी, सूक्ष्म जीव की संसार का इन्होंने पता लगा दिया, लेकिन अनजाने में, ठीक है। मतलब कितना अच्छा है हम किसी चीज की खोज भी ना करें और उसका क्रेडिट भी हमें मिल जाए, है कि नहीं, बहुत मस्त वाली बात है। लेकिन लेकिन यहाँ से एक चीज और, हाँ, इन्होंने कुछ तो किया, मतलब भले इन्होंने इसकी खोज नहीं की या इनका ये मानना नहीं था, लेकिन ये अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे। लेंसों का कलेक्ट करना इन्हें अच्छा लग रहा था, ये बहुत शिद्दत से कर रहे थे उसे। तो ऐसी से क्या सीख मिलती कि हमें भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ऐसे बैठे रहने से हमारा नाम नहीं होगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं, अब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे जीवाणु, इनसे होने वाले हमें लाभ क्या है और हानियां क्या है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे जीवाणु होते क्या है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो जीवाणु लगभग प्रत्येक जगह पाए जाते हैं, जल, थल, वायु, हर जगह जहां हमें लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। ये मृदा में, मिट्टी में, ऐसे पड़ी मिट्टी वहां पे, फल, सब्जी, ये जितने भी सड़े गले पदार्थ होंगे वहां पे ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। और ये पेड़ों की जो जड़ें होती हैं मुख्यतः उस मिट्टी में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अगर मुख्यतः पूछा जाए तो पेड़ों या वृक्षों की जड़ें जो होती हैं उनमें ये ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। जीवाणु इनका आकार कैसा होता है? तो कैसे भी हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, लंबा हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, कोई एक निश्चित आकार नहीं होता। और इनका आकार 0.5 माइक्रोन से लेकर 0.1 माइक्रोन या 2 माइक्रोन तक होता है, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, देखते हैं हमें जीवाणु ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी, ठीक है। लिख लेते हैं, आपको स्ट्रक्चर बना देते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक हो जाएंगे आपके स्वपोषी, ठीक है। दूसरे हो जाएंगे आपके परपोषी, जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, कौन? स्वपोषी जीवाणु और परपोषी जीवाणु, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? तो पहला हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? रासायन संश्लेषण। तो ये दो प्रकार के होते हैं, इनमें पहला स्वपोषी जीवाण, दूसरा परपोषी जीवाण। इसके अंतर्गत कौन कौन से? प्रकाश संश्लेषी और दूसरे रासायन संश्लेषण और परपोषी के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी दो आ जाएंगे, कौन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा मृतोपजीवी, ठीक है, मृतोपजीवी। साथ साथ लिखते चलेंगे, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ लिखेंगे भी, मृतोपजीवी और सहजीवी, सहजीवी, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषी और दूसरा रासायन संश्लेषी, किसके अंतर्गत है? स्वपोषी और परपोषी के अंतर्गत मृतोपजीवी और सहजीवी। अब आइए जानते हैं प्रकाश संश्लेषी के बारे में।
प्रकाश संश्लेषी, जैसे कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पौधे में, अभी आप अभी तक आपने सिर्फ पौधों के बारे में ऐसा पढ़ा होगा कि ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। वैसे ही कुछ जीवाणु भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन कौन सा क्लोरोफिल? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, इसमें कौन सा पाया जाएगा? बैक्टीरियो, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इनका अपना अलग अलग क्लोरोफिल होता है। तो इसे कहेंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल किस चीज से बना है? बैक्टीरिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं जीवाणु? जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। वहां से आया है इसे, बैक्टीरियो क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी मदद से यह सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया रासायनिक संश्लेषण। कुछ जीवाणुओं में बैक्टीरियो क्लोरोफिल जैसा कुछ भी नहीं पाया जाता, तो ये अब अपना भोजन कहाँ से बनाएंगे? तो ये कुछ रासायन जो होते हैं मृदा में, मिट्टी में, हर जगह, उनकी मदद से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और भोजन के रूप में क्या लेते हैं? अगर आज कहीं क्वेश्चन आ गया कि भोजन के रूप में ये लेते क्या है, खाते क्या है, जिससे इन्हें एनर्जी मिलती हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों को किस चीज से मिलता है पता है? हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस चीज में मिलता है? अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए, ये हटके है थोड़ा लेकिन जान लीजिए, कभी आ गया कि हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट किस चीज से मिलता है, तो चावल जो खाते हैं ना हम लोग, उससे। ठीक है, अब आगे आके देखते हैं मृतोपजीवी और सहजीवी, इनके बारे में आते हैं। मृतोपजीवी, परपोषी के जीवाणु जो होते हैं उनके अंतर्गत एक आता है मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी क्या होते हैं? ये जीवाणु मृत चीजें यानी कि आप बहुत सारे जो जानवर होते हैं मरे पड़े रहते हैं। ठीक है, ये हो गए, और हमारा जो फल सब्जी ये सब सारी गली पड़ी रहती हैं, इन चीजों पर अपना कब्जा कर लेते हैं ये जीवाणु, और इन्हें अपघटित करते हैं या खा लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सड़क पर कई जानवर होते हैं मृत अवस्था में पड़े रहते हैं, कई दिन तक उन्हें नहीं हटाया जाता, फिर वे अपने अपने आप ही धीरे धीरे साफ हो जाते हैं वहाँ। किसकी वजह से? जीवाणुओं की वजह से। वो इन्हें धीरे धीरे खा खा के एकदम हटा देते हैं। ठीक है, अपघटित कर देते हैं। तो ये मृतोपजीवी इस प्रकार के होगी, परपोषी मृतोपजीवी किन्हें कहते हैं? ये मृत चीजें, सड़ी गली चीजें जो होती हैं उन पर ये अपना कब्जा आधिपत्य कर लेते हैं, या उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के जीवाणुओं को परपोषी जीवाणु कहते हैं। दूसरा आ गया आपका सहजीवी जीवाणु। तो सहजीवी जीवाणु, जैसे कि सहजीवी नाम से ही स्पष्ट है, सह का अर्थ है साथ साथ। ठीक है, जीवी जीवन यापन करना, साथ साथ जीवन यापन करने वाले या जीवाणु क्या कहते हैं? सहजीवी जीवाणु। ठीक है, तो सहजीवी के अंतर्गत देखिए क्या होता है। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, सहजीवी जीवाणु कहाँ रहते हैं? जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं या वृक्ष होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं इधर उधर फैली होती है जमीन के अंदर, इनमें रहते हैं, इसी के ऊपर ये अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, इन्हीं को खाते हैं, और बदले में ये भी उन्हें कुछ ना कुछ देते हैं सहजीवी। ठीक है, ये उनकी जड़ों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और बदले में ये भी उन्हें कुछ ना कुछ देते हैं। कुछ ना कुछ देंगे तो क्या देंगे? वहां की मिट्टी की उर्वरता को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, मृदा या मिट्टी, वहां की मिट्टी या मृदा की उर्वरता को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्या कहेंगे? सहजीवी जीवाणु। ठीक, अब आगे देखते हैं इनसे होने वाले लाभ और हानियां पढ़ेंगे विस्तार में थोड़ा। तो लाभ क्या क्या है? इनसे हमें बहुत सारी दवाइयाँ यानी कि एंटीबॉडीज मिलती हैं, और बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, अब इसके देखते हैं इनका मापक देख लेते हैं, मात्रक। इन्हें किस चीज में मापते हैं? तो इनको मापने के लिए हम माइक्रोन शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, इनका आकार होता है 0.5 माइक्रॉन से लेकर 1 माइक्रॉन, कहीं कहीं लिखा होता है 2.05 माइक्रॉन तक। ठीक है, माइक्रॉन अब इनका मापक, जैसे कि दूरी का मात्रक होता है किलोमीटर, ठीक है, या मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, वैसे ही इनको सूक्ष्म जीवों को मापने के लिए हम शब्द यूज करते हैं माइक्रॉन। ठीक है, तो अगर जीवाणुओं का आ जाए कि ये कितने बड़े होते हैं या इनका आकार कितना होता है, तो 0.5 माइक्रॉन से लेकर 2.50 तक। अब इनके लाभ और हानियाँ पढ़ेंगे। तो लाभ इनके क्या क्या हैं? इनसे कई प्रकार के हमें फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो जो नुकसान होते हैं वो कई प्रकार की बीमारियां हैं, तो बीमारियां हम पहले पढ़ लेते हैं। तो ये किसके साथ
अभी बताया ना, पौधों के साथ भी रहते हैं, ठीक है, मनुष्यों के साथ है, जंतुओं के साथ भी रहते हैं, तो दोनों को जो देते हैं बीमारियां उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मनुष्यों में हैजा, हैजा या कॉलरा, ठीक है, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, टाइफाइड की टाइफाइड, कुष्ठ रोग, तो कुष्ठ रोग को कहते हैं लेप्रोसी या कोढ़, ठीक है। ये ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, बहुत लोग जानते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, टीवी, टीवी हो गई, वही चीज है। हैजा हो गया, क्षय रोग हो गया, टाइफाइड हो गया, कुष्ठ रोग, ये सब आपके मनुष्यों में होने वाले रोग हैं, ठीक है। अब इसी तरह से पौधे में होने वाले रोग, तो पौधे में होने वाले कौन कौन से रोग हैं, तो सिस्ट्रस कैंकर ये आपका कहाँ पाया जाएगा, नींबू में। इसके आगे लिख देते हैं, नींबू में ये रोग पाया जाता है आपका, ब्लाइट ऑफ पैडी, दूसरा ब्लाइट ऑफ पैडी, जैसे पैडी से क्या होता है, पैडी मतलब धान, तो ये रोग कहाँ पाया जाएगा आपका, धान में। रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, पोटैटो मतलब जानते हैं आप आलू, रिंग रॉट ऑफ, रिंग रिंग क्या होती है, रिंग क्या, रिंग कैसी होती है, रिंग बोले तो अंगूठी, अंगूठी कैसी होती है, गोल होती है, सर्कल वाली, तो ऐसे जब आप आलू देखेंगे कभी कभी उसमें गोल गोल किनारे किनारे साइड में छल्ले काले काले पड़ जाते हैं, जब आप काटेंगे तो किनारा साइड में काला काला निकलता है, वही वही रोग है ये, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, आलू, ये कहाँ पाया जाता है, आलू में, ठीक है। और ये सॉफ्ट रॉट ऑफ मैंगो, ये आम में पाया जाता है, आम में जो चित्तियाँ पड़ जाती हैं कई सारी, ढेर सारी ना, तो मतलब देखने में थोड़ा सा सड़ा टाइप में लगता है, तो यही होता है सॉफ्ट सॉफ्ट रॉट ऑफ मैंगो, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, आम में। इनका आर्थिक महत्व देखते हैं, तो अभी हमने बताया कि इनसे रोग होता है, ठीक है, और पहला ही पॉइंट इसमें क्या लिखा है, एंटीबायोटिक्स निर्माण, मतलब इनसे हमें एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, और एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। तो अभी तो एक तरफ हम बता रहे हैं कि ये मनुष्यों में रोग फैलाती है, दूसरा कह रहे हैं कि इनसे एंटीबायोटिक का निर्माण होता है, तो भाई कोई भी चीज़ होती है उसके दोनों साइड होते हैं, अगर वो हमें नुकसान दे रही है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी दे रही है, या कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ से हमें फ़ायदा है तो नुकसान भी होने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा है, मनुष्य की आंत में ई कोलाई सहजीवी जीवाणु विटामिन संश्लेषण करके मनुष्य को लाभ पहुंचाता है, तो ये मनुष्य की आंत में रहता है जीवन पर्यंत, कौन सा, ई कोलाई सहजीवी जीवाणु, सहजीवी मतलब सह का अर्थ साथ साथ, जीवी जीवन यापन करने वाला, तो ये हमेशा मनुष्य की आंत में साथ साथ जीवन यापन करता है और मनुष्य को लाभ पहुंचाता है। तीसरा पॉइंट है, दूध से दही पनीर मक्खन बनाना, जीवाणु किसमें महत्वपूर्ण है भाई साहब, ये दूध से दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, इनमें हमारे लिए लाभदायक हैं, ये आर्थिक महत्व मतलब इनसे होने वाले फायदों के अंतर्गत आता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है, सिरका एल्कोहल, सिरका और एल्कोहल, तो सिरका जब बनाया जाता है गन्ने के रस से, ठीक है, रख दिया जाता है कई दिनों तक, उसमें क्रियाएं होती हैं जिसको किण्वन कहते हैं, तो किण्वन के द्वारा उसमें बहुत सारे अब तक जीवाणु आ जाते हैं, तो वो किण्वन क्रिया होती है, उसके बाद किसका निर्माण होता है, सिरका का और एल्कोहल का। एल्कोहल से आपको पता है क्या बनती है, ज़्यादातर शराब, सिर्फ शराब ही नहीं बनती, सैनिटाइजर भी बनता है, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें बनती हैं, सैनिटाइजर अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा, जब कोरोना वायरस COVID-19 आया हमारे पास, तो सैनिटाइजर का बहुत यूज हुआ, ठीक है, तो एल्कोहल बुरी चीज़ नहीं है शराब, ठीक है, इसका पहली बार कुछ सही यूज भी हुआ है। पांच नंबर, जीवाणुओं द्वारा चाय तथा तंबाकू की पत्तियों में सुगंध, सुगंध यानी कि खुशबू, खुशबू बढ़ाने में इसका उपयोग करते हैं, और टेस्ट भी, ठीक है, तो पांचवा नंबर हो जाएगा, जीवाणु का उपयोग चाय तथा तंबाकू की पत्तियों में सुगंध और खुशबू बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और लास्ट हो जाएगा, अभी ऊपर भी बता चुके हैं आपको, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में, मृदा यानी कि मिट्टी, जो पौधे होते हैं, जैसे कोई वृक्ष लगाया हमने या पौधा हुआ छोटा सा, वो सड़ गया या वहीं पे पड़ा है मिट्टी में, तो धीरे धीरे इसको अपघटित करके खाद का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, वहीं पे सड़ जाएगा लेकिन वहाँ की मिट्टी की उर्वरता को, उपजाऊ क्षमता को बहुत ज़्यादा विकसित कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है।
ये आपका हो गया है एक चैप्टर, एक चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, बहुत ही ज़्यादा चैप्टर खींचे ना आप पढ़ने में उबे ना, इसलिए अभी केवल जीवाणु के बारे में पढ़ाया जा रहा है। बाद में आपको विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और खाद्य संरक्षण मतलब इनसे खाने को या भोज्य पदार्थों को कैसे बचाएं, बचा के रखें, क्योंकि हमें भी खाना है ना, और अगर नहीं बचा के रखेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो इनके बारे में एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो सूक्ष्म जैविकी पढ़ रहे हैं हम लोग, सूक्ष्म जैविकी यानी कि सूक्ष्म जीवों का संसार। सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, इनके लिए हमें किसी न किसी यंत्र की ज़रूरत होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उसी के माध्यम से हमें दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। एक सुई की नोक या अल्पिन की नोक पर लगभग 10 लाख से ज़्यादा जीवाणु या विषाणु यानी कि सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, तो कहाँ हम देख पाएंगे, जो नॉर्मल सी बात है। अब इनकी खोज किसने की? इनकी खोज की एंटोनी वान लुएनहॉक, जो हॉलैंड के निवासी थे, कब? सन 1776 से 77 के मध्य। और इंटरेस्टिंग बात क्या थी इसमें, कि ये खोज उन्होंने जानबूझ के नहीं की थी, बस हो गई थी। क्यों? क्योंकि जैसे लोगों को हर चीज़ का शौक होता है, कोई खेल का शौकीन होता है, कोई टीवी देखने का, वैसे ही इनको शौक था किसको? लेंस इकट्ठा करने का। लेंस को कितने प्रकार के? दो प्रकार के, उत्तल और अवतल, ठीक है। लेंसों को कलेक्ट करने का इनका शौक था, ठीक। उसी में इन्होंने एक यंत्र बनाया सूक्ष्मदर्शी, उसी में ऐसे ही रैंडमली ऐसे देख रहे थे, तभी इन्हें कुछ जीव जंतु दिखे। जो वो दूरदर्शी हटाई तो पता लगा कुछ नहीं यहाँ पे, अरे गायब हो गए सब। फिर लगाई, फिर दिख रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने चेक किया, बाद में फाइंड आउट किया, तब इन्हें पता चला कि हमारे अलावा पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु जिन्हें हम ऐसे देख सकते हैं नग्न आंखों, इनके अलावा भी एक और दुनिया है जिसमें सूक्ष्म, इसी मतलब दुनिया तो यही है, सेम है, लेकिन और एक सूक्ष्म जीवों की दुनिया है जिन्हें हम नग्न आंखों से या ऐसे नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। तो इतना आप समझ गए। तो जब आपसे पूछा जाए सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहते हैं, तो सूक्ष्म जैविकी का पिता आप कहेंगे एंटोनी वान लुएनहॉक। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सूक्ष्म जीवों की खोज की थी। कौन? एंटोनी वान लुएनहॉक। कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, हॉलैंड शहर के निवासी थे। अब आगे आपको पढ़ेंगे इसके अंतर्गत कौन 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 सी चीज़ें आती हैं, तो जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, ठीक है, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। जल्दी जल्दी आप दोहरा लेते हैं, जिससे आपको पढ़ने में मेहनत कम करनी पड़े, जो मेहनत है हम ही करें और आपको ज़्यादा नॉलेज हो। तो पहला आ गया आपका जीवाणु। जीवाणुओं का आकार कितना होता है? तो 0.5 माइक्रॉन से 2.05 माइक्रॉन तक होता है, ठीक है। माइक्रॉन, माइक्रॉन एक प्रकार का मापक है, जैसे कि दूरी का मात्रक किलोमीटर या मीटर इन्हें मापते हैं, समय का मात्रक हो गया आपका सेकंड में मापते हैं, उसी तरह इसका मात्रक जो होता है सूक्ष्म जैविकी का, या सूक्ष्म ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इसका मापक पैमाना और बहुत छोटा होगा ना, तो उसके लिए हम माइक्रॉन, ये उल्टा यू के आकार का होता है, माइक्रॉन शब्द जो चिन्ह होता है वो ऐसे ऐसे इसको व्यक्त करते हैं, इसको क्या कहेंगे? माइक्रॉन, ठीक है। तो जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणु प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। अब प्रत्येक जगह पाए ही जाते हैं, जब जब आप पूछेंगे कहाँ कहाँ हैं, तो सब्जियों में, फलों में, गीली नम जगहों में, मृदा मतलब मिट्टी में, है हर जगह तो पाए जाते हैं। तो आप कोई पूछे कहाँ पाए जाते हैं, तो सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है। गर्म क्षेत्र, ठंडे क्षेत्र, ये नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। चाहे जितना गर्म हो, चाहे जितना ठंडा हो, बर्फों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे ये इनका उपयोग, और उपयोग देखिए जिन चीज़ों से पहले भी बता चुका हूँ, उपयोग और दुरुपयोग दोनों। कोई भी चीज़ इकलौती ऐसी नहीं है जिससे हमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो और नुकसान ही नुकसान हो, ठीक है। तो इनमें भी पढ़ेंगे, तो इनमें पहले हानि, हमें क्या क्या हानियाँ हैं इनसे, तो मनुष्यों में और पौधों में, क्योंकि ये दोनों के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, पौधों के साथ भी रहते हैं और मनुष्यों के साथ भी रहते हैं, तो पौधों को भी नुकसान या फ़ायदा पहुँचाएंगे और मनुष्यों के नुकसान और फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो पहले मनुष्यों में देख लेते हैं, तो हैजा, हैजा एक बीमारी है, कॉलरा इसको बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा है क्षय रोग, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस या इसको क्या कहते हैं, टीवी। तीसरा है टाइफाइड, टाइफाइड एक बीमारी, इन सबसे चीज़ें, टाइफाइड तो बहुत जल्दी हो जा रहा है आजकल, इसके लिए हमें साफ पानी, ठीक
ठीक है, ज़्यादा दिनों का रखा भोजन यानी कि कल का या परसों का रखा भोजन भी आज कर रहे हो तो पक्का है होगा, और बर्तन वर्तन जो है कस के धुला कीजिए तो उसके चांसेस कम हो जाएंगे टाइफाइड होने के। ऐसे कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी या कोढ़, ठीक है। अब पौधों में सिस्ट्रस कैंकर, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, किसमें सिस्ट्रस कैंकर, तो नींबू, नींबू तो सभी लोगों ने देखा होगा ना भाई। ब्लाइट ऑफ पैडी, तो पैडी, पैडी इंग्लिश में बोलते हैं किसको, धान को, तो जाहिर सी बात है ये धान में होने वाला रोग है, ठीक है, धान में चावल। रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, पोटैटो तो पता ही है आपको, आलू, पोटैटो मतलब आलू, तो ये आलू में होगा, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो। ती चौथा है सॉफ्ट रॉट ऑफ मैंगो, तो अब पूछा जाए सॉफ्ट रॉट ऑफ मैंगो कहाँ किस में पाया जाता है, तो अब लास्ट वाली चीज़ें पकड़िए ना, मैंगो बने आम, पोटैटो बने आलू, पैडी बने धान, तो इसको ये कहाँ पाया जाएगा, आम में पाया जाएगा, ठीक है। जैसे आप पूरा नहीं याद कर पा रहे हैं तो लास्ट वाली चीज़ पकड़िए, इनका आर्थिक महत्व क्या क्या है, आर्थिक महत्व यानी कि जिससे हमें फ़ायदा है, फ़ायदा ज़रूर पड़ेंगे ना हम लोग, तो एंटीबायोटिक्स निर्माण में, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज़, ये इनका काम क्या होता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देना, जिससे हमें बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है या सहायता प्राप्त होती है। मनुष्यों की आत्म में ई कोलाई नामक एक सहजीवी मतलब साथ जीवन यापन करने वाला जीवाणु पाया जाता है, जो मनुष्यों को फायदा पहुंचाता है, कैसे, विटामिन का संश्लेषण करके, हमारे शरीर में जब ज़्यादा विटामिन्स हो जाती हैं तो भी दिक्कत है ना, तो उनका संश्लेषण करके मनुष्य को फायदा पहुंचाता है। तीसरा है दूध से दही, पनीर, मक्खन आदि बनाने में, दूध तो सभी लोग खा पीते होंगे और दही बहुत कम लोग खाते होंगे लेकिन खाते होंगे, और पनीर, पनीर भी सब बहुत लोग खाते होंगे, मक्खन, इन सब में क्या होता है, दूध से बनाया जाता है ना, तो इसमें बहुत योगदान है जीवाणुओं का, और किस, अगर पूछ ले इनका नाम जिसे दूध से दही बनता है, तो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, जीवाणु का नाम है लैक्टो बैसिलस, ये भूल रहा था मैं, लेकिन ये बहुत पूछा जा रहा था इसलिए लिखाना पड़ रहा है। तो दूध से दही, पनीर, मक्खन आदि बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का प्रयोग होता है, ठीक है। जीवाणुओं द्वारा चाय, तंबाकू तक, चाय और तंबाकू की पत्तियों में सुगंध और क्या होता है, स्वाद बढ़ाने में किया जाता है, और लास्ट लास्ट सबको पता है मृदा का अपरदन, मृदा की उर्वरता बढ़ाने में, तो उर्वरता यानी कि मिट्टी की उपजाऊ की क्षमता बढ़ाने में, जिससे वहाँ पे जो भी पौधा बाद में लगाएंगे आप वो और ज़्यादा विकसित होगा और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो उस मिट्टी की उर्वरता मतलब क्षमता जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो आप लोगों की क्लास ऐसे ही चलती रहेगी, अगर और अभी इसी में विषाणु बता देंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो हो सकता है आप पढ़ने में उबें, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको पढ़ने में ऊब भी ना लगे और याद भी होता रहे बराबर ना, तो इसे क्लासेस चलती रहेंगी धीरे धीरे, ये रेगुलर या एक एक दिन गैप पे वीडियो आती रहेंगी, फिर भी आपके वो साथ साथ वो PDF वाले नोट्स वो भी मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। अगर लाइव ना हो तो वो तो आते ही रहेंगे, लेकिन ये एक एक दिन पे गैप पे या रेगुलर जैसे जैसे टाइम मिलता है हम आते रहेंगे, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा वीडियो कैसी लगी, और फिर मिलते हैं जल्दी ही। जय।